नमस्कार, रूस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। एक हुआ करता था चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, एक हुआ करता था चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, जो अब नहीं रहा। बूढ़ा जा चुका था बेचारा, उम्र हो चली थी 145 वर्ष। इसका जन्म हुआ था सन 1873 में, आज इसकी उम्र हो चली है 145 वर्ष। कुछ ऐसा ही व्यवहार इस इमारत के साथ भी किया गया, जिस तरह से एक गैर जिम्मेदार बेटा अपने माता पिता को छोड़ किसी और शहर जाके बस जाता है और तब उसको याद आती है उस बूढ़े माँ बाप की, जब उनकी जायदाद या फिर उन बूढ़े माँ बाप से उसको कोई फायदा पहुंचने वाला हो। इन राजनेताओं ने भी कुछ ऐसा ही किया इस इमारत के साथ, जिसके साथ तमिलनाडु की एक बहुत लंबी हिस्ट्री जुड़ी हुई है। जिस तरह से दिल्ली का लाल किला, कलकत्ते का हावड़ा ब्रिज या फिर बंबई का गेटवे ऑफ इंडिया हुआ करता है, उसी तरह से चेन्नई का जो एक लैंडमार्क है वो है चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। इसी इमारत से जुड़ती है चेन्नई की तस्वीर, इसी इमारत से शुरू होती है चेन्नई की तस्वीर। 6 मार्च 2019 को नरेंद्र मोदी साहब का एक और दौरा लगता है तमिलनाडु के कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट पे। एक रैली को संबोधित करते करते नरेंद्र मोदी साहब एक ऐलान करते हैं कि चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एमजीआर जी के नाम के ऊपर रखा जाएगा। 10 तारीख को इलेक्शन की तारीख रिलीज कर दी जाती है। इलेक्शन की तारीख रिलीज करने के बाद आचार संहिता भी लग जाती है। इसके पश्चात किसी भी योजना का या फिर किसी भी जगह का नाम बदलना उचित नहीं माना जाता है और ये इलेक्शन के रूल्स एंड रेगुलेशन के सख्त खिलाफ जाता है। पीएम मोदी है, जो वो ठान लेते हैं वो करते हैं। 5 तारीख यानी 5 अप्रैल 2019 को जिस तरह से उन्होंने वायदा किया था कि चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया जाएगा, तो वो हो गया। क्या हुआ? पुरच्ची तलैवर डॉक्टर एमजी रामचंद्रन चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। इसके साथ साथ एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम हुआ। वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या कायम हुआ? एक ऐसा स्टेशन जिसका नाम दुनिया का सबसे लंबा नाम है किसी भी एक रेलवे स्टेशन का। इसके साथ साथ कुछ एक कठिनाइयां भी आईं। आखिर इसमें परेशानी क्या है? एमजीआर आखिर है कौन? एमजीआर एक बहुत बड़ा नाम है तमिलनाडु के सिनेमा जगत का, और उसके अलावा पॉलिटिक्स में भी उन्होंने अपना बहुत बड़ा वर्चस्व छोड़ा है। एमजीआर के बाद जयललिता जी ने उनकी जगह ली और वो उसके बाद सीएम बनी। एमजीआर जी ने भले ही बहुत अच्छे काम किए हों, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप तमिलनाडु के हिस्ट्री के साथ यानी चेन्नई के हिस्ट्री के साथ खिलवाड़ करें, वो भी अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए। एमजीआर जी का नाम बदलने में परेशानी ये है क्योंकि एमजीआर जी तमिलनाडु के नेता नहीं बल्कि एक राजनीतिक पार्टी के नेता हैं। एआईएडीएमके के फाउंडर मेंबर हैं, जिन्होंने एआईएडीएमके की नींव रखी थी। यानी अगर आप एमजीआर जी का नाम या फिर उनके नाम से किसी भी चीज का उद्घाटन करते हैं तो सीधे सीधे फायदा पार्टी के प्रचार को ही पहुंचता है। इलेक्शन कमीशन को इसमें किसी भी तरह की गलती खामी नहीं नजर आई। उन्होंने किसी भी तरह का विरोध नहीं व्यक्त किया जो कि इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए था, क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति का नाम इस रेलवे स्टेशन के साथ जुड़ रहा है जो कि एक पार्टी का, एक राजनीतिक पार्टी का बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा चेहरा है और जो वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने में बहुत बड़ा पत्थर साबित हो सकता है। क्या इस तरह की राजनीति, क्या इस तरह की राजनीति आप हमारे आने वाले इस जनरेशन को देना चाहेंगे? क्या इस तरह की राजनीति से जो कि भाषा, जाति, मजहब के इर्द गिर्द घूमती है, क्या इस तरह की राजनीति से देश का फायदा हो सकता है? वो तमाम सवाल जो चेन्नई या फिर तमिलनाडु से जुड़े हुए हैं वो कभी नहीं उठाए गए, वो कभी नहीं पूछे गए। अगर मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड दूं कि आखिर ये कितना इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है, इसकी जो नींव रखी गई थी वो थी 1883 में। उसके बाद 1883 से लेके 1996 तक ये मद्रास सेंट्रल रेलवे स्टेशन कहलाया जाता था। जिस दिन मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई रखा गया, उसी दिन इसका भी नाम यानी मद्रास सेंट्रल रेलवे स्टेशन से बदलकर चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन रख दिया गया। अब ये तीसरी दफा है जबकि इसका नाम बदला गया है, जिसका नाम रखा गया है पुरच्ची तलैवर डॉक्टर एम जी रामचंद्रन चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। 40 दिनों में 4 दफा मोदी जी का दौरा तमिलनाडु पे लगता है। अचानक से यानी इससे पहले
जब भी मोदी जी कभी तमिलनाडु की तरफ आए हैं तो सिर्फ और सिर्फ वो कुछ पलों के लिए आए हैं, और उन कुछ पलों में भी पूरा का पूरा जो ऑपोजिशन खेमा है वो गो बैक मोदी के नारे लगाते नजर आया है। उसका रीजन भी था क्योंकि मोदी जी ने कभी भी तमिलनाडु के हित में या फिर तमिलनाडु की समस्याओं पर कभी अपनी जुबान नहीं खोली, चाहे वो तूतुकुड़ी का मसला हो, कावेरी का मसला हो, नीट का मसला हो, या फिर बहुत बड़ा जो गाजा तूफान आया था अभी कुछ महीनों पहले, उस पर किसी भी तरह की टिप्पणी, किसी भी तरह का एक स्टेटमेंट मोदी साहब की जुबान से नहीं आता है। 27 जनवरी को मोदी साहब का पहला दौरा तमिलनाडु पे लगता है जब इनका गठबंधन हो जाता है। उसके पश्चात मदुरई में एम्स की नींव रखी जाती है। हकीकत में फरवरी 2015 को ये योजना अमल में आई थी कि एम्स तमिलनाडु में भी खुलेगा। फरवरी 2015 की जो योजना थी वो इलेक्शन के बहुत करीब जब वो पहुंचे तब उन्होंने उसकी नींव रखी है। अभी एम्स बना नहीं है, समझने की बात है, उन्होंने सिर्फ नींव रखी है। तो ये कब एम्स बनेगा और कब लोगों को इसका फायदा पहुंचेगा ये किसी को नहीं पता है। जो मुद्दे हैं, सवाल हैं, वो कोई नहीं पूछना चाहता है, कोई नहीं बोलना चाहता है। यहाँ पे नौकरियों के ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता है, किसानों के ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता है। एक किसानों का टुकड़ा ऐसा भी था जो दिल्ली तक पहुंच गया था, अपने कपड़े उतार कर नंगा प्रदर्शन किया था पार्लियामेंट के सामने। पीएम मोदी से इनको मिलने की गुजारिश थी कि एक बार पीएम मोदी इनसे मिल लें। पीएम मोदी साहब के पास इनसे मिलने का समय नहीं था तो उन्होंने उनको वापस उल्टे पैर लौटा दिया। 8-lane highway जो यहाँ पे शायद जरूरी था ही नहीं, सेलम टू चेन्नई जिसको कहा जाता है, गडकरी साहब वो यहाँ पे लाने की कोशिश कर रहे थे जो कि नहीं हो पाया। जो नहाई के जो रेट्स हैं, जो टोल के जो रेट्स हैं, वो हर 6 महीने, हर 3 महीने में एक बारी बढ़ाए गए। जहां पे कोई 20 रुपये या फिर 25 रुपये दिया करता था, आज वो 60 या फिर 70 रुपये दे रहा है। ये ऐसे तमाम वो मुद्दे हैं जो एजुकेशन पे यहाँ पे काम नहीं हो रहा है, यहाँ पर मेडिकल के क्षेत्र पे कोई काम नहीं हो रहा है, यहाँ पर जो लोगों की आम परेशानियां हैं उस पे कोई बात नहीं करना चाह रहा है। किसी एक सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर कुछ और, यानी आप किसी जगह के हिस्ट्री के साथ खेलकर अपने लिए फायदा पहुंचाने के लिए जिस तरह से जल्दबाजी करते हैं, जिस तरह से काम करते हैं, अगर उसका 1% आप जनता के लिए, जनता के कामों के प्रति करें तो शायद आपको किसी भी तरह का प्रचार करने की जरूरत नहीं है। आपको ये तमाम वोट खुद ब खुद मिल जाएंगे आपके काम के लिए। क्योंकि तमिलनाडु में किसी भी तरह का काम नहीं हो पाया है तो आज आप हर तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, हर तरह की योजनाएं लेके आने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो तमिलनाडु की जनता है वो आपको वोट डाल दे। तमिलनाडु को एक चेंज की जरूरत है, एक ऐसे नेता की जरूरत है जो शायद उस एक पॉलिटिकल जो राजनीति जो इतने सालों से चली आ रही है, जो एक भाषा की राजनीति, एक जाति की राजनीति जो चली आ रही है, उससे हटकर प्रगति की तरफ कोई राजनीति करे, कोई सोचे कि हाँ यहाँ पर इंडस्ट्रीज जो आई हैं वो कैसे स्टेबल हो सके और इंडस्ट्रीज कैसे आ सके, जो करप्शन है वो करप्शन किस तरह से रुक सके, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो तमिलनाडु के असली मसले हैं। इन असली मसलों पर ध्यान देना चाहिए और उस इमारत का जिसका सिर्फ आपने नामकरण किया है उस इमारत को वापस उसकी पहचान दिलाई जा सके, जिसकी जो धरोहर है तमिलनाडु के हिस्ट्री की उसको उसका नाम वापस मिले, उसको उसकी इज्जत वापस मिले। अगर आप सेंट्रल रेलवे स्टेशन के अंदर घुसें तो आपको यकीनन समझ में आ जाएगा जिस तरह की इमारत है, जिस तरह के इसमें फैसिलिटीज होनी चाहिए थी 2019 तक वो नहीं हुई हैं, वो जैसे कि तैसी हैं। जिस तरह से वो उस जमाने में थी उस रौनक को अब शायद देखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस तरफ भी आप देखें इन्हीं पॉलिटिकल इश्तिहारों से आपका सामना होगा। यही वो पॉलिटिकल इश्तिहार हैं जो हर दीवार पे हर जगह चिपके हुए आपको नजर आएंगे, यानी हर पॉलिटिकल पार्टी अपना फायदा चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन से लेना चाहती है, ना कि चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन को उसकी इज्जत वापस लौटाना चाहती है। चंद लोगों की जिद और चंद लोगों के फायदा पहुंचने के चक्कर में किसी इमारत का, किसी हिस्टोरिकल इमारत का अगर नाम बदल जाता है तो वो शायद हम मानने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को, इलेक्शन कमीशन को, इन सबको संज्ञान लेना चाहिए। इसका जो नाम है जो कि सेंट्रल रेलवे स्टेशन था, चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन था, उसको वापस लौटाना चाहिए। और जो भी इन लोगों ने ये नाम रखा है एक नई इमारत खड़ी करें अपने पैसों से और उसका नाम चाहे जो रख लें हमें मंजूर है, ना कि ये कि आप एक हिस्टोरिकल
हिस्ट्री के साथ खिलवाड़ करें। आशा करते हैं कि आपको ये हमारी खबर पसंद आई होगी। कृपया करके कमेंट बॉक्स पे लिखें क्या इस स्टेशन का नाम वही पुराना नाम होना चाहिए, फिर नए नाम से आप सहमत हैं। बने रहे हमारे साथ रूस्ट न्यूज, जो आपको तमाम खबरें दिखाता है जो सीधे आपकी जड़ों से जुड़ी हुई होती हैं। सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको तमाम खबरें मिलती रहें जो हम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाते हैं। धन्यवाद।